इस समय हम खड़े हैं मांडिया खुर्द गांव में, जो रेवाड़ी हलके में पड़ता है, और इस रेवाड़ी हलके में धान की रोपाई अब किसान करने लगे हैं, क्योंकि यह रोपाई जो है पंजाब में ज्यादा की जाती थी, पंजाब के बाद धीरे धीरे हरियाणा में इसका प्रचलन हुआ, चावल की खेती करना शुरू किया, किसानों को इसमें लाभ मिला, और लाभ के बाद एक के बाद एक किसान चावल की खेती की तरफ रुझान उनके बढ़ते गए, और इस समय यहाँ मांडिया कला में जिस गाँव में खड़े हैं उस गाँव में भी किसान ने एक खेती की हुई है, रोपाई कार्य शुरू किया जा रहा है, और इस रोपाई कार्य में हम दिखा तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं किस तरह से जो मजदूर है यहाँ लगे हुए खेत में, ये मजदूर यहाँ से मतलब बाहर से बुलाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ खेती कम की जाती है धान की रोपाई की, और इसीलिए बाहर से जो मंझे हुए जो कृषक मजदूर हैं उनको बुलाकर यहाँ धान की रोपाई की जाती है, और यहाँ हमारे साथ जो खेत के संचालक हैं वो भी इसमें मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि हम सर पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? नाम मेरा जयवीर। जयवीर जयवीर जी, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से आप ये धान की रोपाई करते हैं, कितने समय से कर रहे हैं? 6-7 साल से कर रहा हूँ जी मैं। कितने एकड़ में करते हैं, क्या कुछ मुनाफा? करीब 5-7 एकड़, 5 से 6 भी हो जाए, 7 भी हो जाए, 5-7 एकड़ में लगभग समथिंग करता हूँ। एक एकड़ में कितना खर्चा आता है? एक एकड़ में समथिंग शुरू से आखिरी तक का खर्चा मान के चलो 20 से 25 हज़ार। पानी अलग है, पानी अलग, पानी अलग है। तो मान लें इसमें जैसे पहले आप खेती करते थे गेहूं की, सरसों की, बाजरे की, उससे क्या कुछ डिफरेंस है? बाजरे से भी अच्छी फसल है ये धान के लिए। किस तरह से मुनाफा ज्यादा है इसमें? कैसे बताएंगे, कम है थोड़ा बताएंगे? बाजरा सरकारी के ऊपर भी कम बिकता है, बाजरे की पैदावार कम होती है, पानी बारिश ज्यादा हो गई तो गल गया, इस वजह से इसमें बेनिफिट मिलता है ज्यादा। तो आपको यहाँ मतलब ये खेती जो कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं, अभी धान की रोपाई अभी नहीं देख रहे हैं, कर रहे हैं, पानी भरा हुआ है खेत में, लबालब पानी है, और पानी की सबसे ज्यादा डिमांड जो है चावल की खेती में की जाती है, कहाँ से पूर्ति करते हैं? ट्यूबवेल चलाते हैं अपना, नहरी का प्रबंध तो है नहीं वैसे तो, बाकी नहर है परली तरफ है, वो दूसरी तरफ लाइन दबा के ला रखी है, मतलब नहर दूर है, नहर दूर है, नहर अपनी सप्लाई की हुई है, अपने पानी की खुद की सप्लाई है जी ट्यूबवेल की। तो कितना जैसे बिजली ठीक आती है? बिजली 8 घंटे आती है, उसमें कटफट भी हो जाते हैं, कभी फॉल्ट हो जाती है, कोई करके देता नहीं जल्दी से। तो सरकार ने कहा कि जैसे सोलर पंप दिए जा रहे किसानों को, ऐसी कोई सुविधा आपको मिली है? सोलर पंप की कोई सुविधा नहीं मिली, कभी अप्लाई भी किया के मांग? नहीं, मैंने नहीं किया है, नहीं, बोले इसी बिजली में काम चला लेते, इसी बिजली से काम चला लेते हैं, सोलर की सप्लाई इसलिए नहीं करते जी, इतना लंबा पानी चलता नहीं है। तो अभी जैसे ये रोपाई की जा रही है, अभी जो है जुलाई का अंत चल रहा है, तो अब ये कब तक तैयार होगी, कब तक पक्के तैयार होगी? ये लगभग आप मान के चलो नवंबर के पहले हफ्ते में कटाई होगी इसकी, इसकी बहुत जल्दी कटाई हो जाएगी, नवंबर के पहले हफ्ते में गेहूँ बोएंगे इसमें। तो अभी आपने कितने मजदूर लगा रखे? मजदूर हैं जी 10। ये कहाँ से बुलाए हैं? ये यूपी के आदमी हैं, किसी भाई के पास आए हुए थे किशनगढ़ बाला पास, वहाँ से लेके आया हूँ। तो आप लोकल मजदूरों का या किसी और का क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कुछ मजदूर है ही नहीं धान की रोपाई के लिए, तो मांडिया मजदूर है ही नहीं। मांडिया मतलब जिस तरह की लोकल खेती होती थी, पारंपरिक खेती होती थी, उसी तरह का काम कर सकते हैं? धान की जो रुपाई है नई शुरू हुई है, तो इसलिए यहाँ के मजदूर नहीं मिलते? नहीं मिलते मजदूर यहाँ, परंपरा की खेती वाले के मजदूर हैं, बाजरे के हैं, गुआर की हैं, इस फसल के लिए मजदूर मिल जाते हैं, सरसों मिल जाते हैं, गेहूँ मिल जाते हैं, बाकी धान की रुपाई का कोई मजदूर नहीं है। तो मान लीजिए नवम्बर में फसल पककर तैयार हो जाएगी, तो उसकी कटाई के क्या कुछ बंदोबस्त है आपके पास? बंदोबस्त गाँव के मजदूर तो कराएंगे, या तो ये बाहर वाले ही आएंगे। अच्छा, तो किस तरह से करते हैं थोड़ा समझाएंगे? हम तो गांव वालों से कराते हैं जी, हमारे यहाँ मजदूर मिल जाते हैं, उनको दिहाड़ी के ऊपर लाते हैं और अपने कटवा लेते हैं, झड़वा लेते हैं, बाहर बाहर के आदमी मिल जाते हैं तो बाहर वालों से करा लेते हैं, यूपी के भी आते हैं, बिहार के भी आते हैं, बहुत ज्यादा मजदूर आते हैं यहाँ, जैसे हमारे आगे ढोकिया गाँव है वहाँ मजदूर आते हैं, किशनगढ़ बाला से जो धान की जो बेल्ट है वहाँ आदमी आता है। तो जैसे आप मंडी में ले जाते हैं तो किस तरह से बेच के आते हैं? मंडी में ले जाके बेच देते हैं, आड़ती के ऊपर डाल देते हैं, भाव लगते हैं, मंडी के दलाल होते हैं वो बोली लगाते हैं। अभी आपने कौन सी नस्ल के भी लगाए हुए हैं? जैसे लगाई है जी 11, 21, 17, 18 बासमती और 16 बांड में वाली लगाई है। इनकी लगभग कितनी कीमत मानी जाए इनकी प्रति किलो के हिसाब? प्रति किलो का हिसाब से तो मैं क्या बता सकता हूँ सर आपको, एकड़ क्विंटल के हिसाब से? क्विंटल के हिसाब से तो क्या है मतलब समथिंग मान के चलो 20 से 25 क्विंटल के लिए निकल आती है। अच्छा, नहीं एक क्विंटल की कितनी कीमत होगी? एक क्विंटल की कीमत पिछली बार तो 4,000, 4,200, 4,300 था जी, अब की बार पता नहीं क्या होगा, मतलब इससे ज्यादा ही मिलेगा? ज्यादा ही मिलने की संभावना है, मतलब इस फसल में ज्यादा मुनाफा है, इस धान की फसल में ज्यादा मुनाफा है, बशर्ते पानी जमींदार का खुद का हो। क्या और बाकी किसानों को क्या मैसेज दे जाएंगे कि धान की रोपाई करने के लिए? धान की रोपाई करने के लिए जी मैं तो बता दिया कि भाई अगर कोई समृद्ध किसान है जिसके पास पानी की व्यवस्थाएं हैं तो वो अपना धान की रोपाई कर सकता है,
अच्छा मुनाफा मिलता है, हर फसल से बेनिफिट में धान ही रहती है। देखिए इन्होंने कहा कि बाकी किसानों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि धान की रुपाई करें, क्योंकि धान की रुपाई जो है किसानों को अच्छा मुनाफा देती है, इस मुनाफे को देखते हुए बाकी किसानों को भी धान की रुपाई करनी चाहिए। उसी तरह से इन्होंने अपनी पारंपरिक खेती छोड़ धान की रोपाई करना शुरू किया है और बाजार में भी मार्केट दाम इन्हें अच्छे मिलते हैं, 4 से 5 हज़ार क्विंटल प्रति उसके क्विंटल के हिसाब से बाजार में इनको खरीदा जाता है। बेचने में और रोपाई करने में काफ़ी आसानी होती है। बरकत पानी की एक समस्या यहाँ खड़ी है, क्योंकि रेवाड़ी क्षेत्र जो है डार्क जोन में आता है, इसलिए यहाँ नहरी पानी बहुत कम है। इन्हें अपना खुद का ट्यूबवेल लगा के इन खेतों को पानी में लबालब किया हुआ है और यहाँ धान की रुपाई की है। और मजदूरी में भी बात की जाए तो मजदूर लोकल नहीं मिलते, क्योंकि पारंपरिक खेती वाले मजदूर तो इन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन धान की रुपाई यहाँ अभी शुरू की गई है कुछ समय से ही, तो इसलिए धान की रुपाई के मजदूर यहाँ नहीं मिलते। इन्होंने यूपी बिहार से ये मजदूर बुलाने पड़ते हैं, अभी भी यूपी बिहार के मजदूर इन्होंने लगाए हुए हैं और ये फसल जो अभी लगेगी नवंबर में कटेगी और नवंबर में इनको अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। बाकी किसानों से भी ये इन्होंने मैसेज दिया है कि इस तरह की खेती लगाकर ज़्यादा मुनाफा कमाएं। महेंद्र भारती, मार्केट टाइम, रेवाड़ी।